गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके शादी तो हुई लेकिन शादी के बाद भी उसके पति उसे प्यार नहीं करते थे। उसके पति एक लड़का नहीं था, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। और फिर क्या होता है उसके साथ, कैसे उसका बच्चा होता है और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुराधा है और ये बात मेरी शादी के बाद की है। शादी के बाद से ही मैंने नोटिस किया था कि शादी के बाद पहली रात को भी मेरे पति मुझसे दूर दूर ही रहते थे। उस दिन उन्होंने आए और कहे, मैं थक गया हूँ, सो जाओ, तुम भी थक गई होगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर लगा कि हो सकता है कि रिसेप्शन, फंक्शन और इन सब वजह से वो थक गए हैं। खैर, अपने मन के सारे आशा जो कि सब लड़की देखती है उन सब आशाओं को बंद करके मैं सो गई। उसके बाद वाले दिन मेरे पति काम पे चले गए। काम से आए तो फिर वही बात कि मैं थक गया हूँ, सो जाओ। इन सब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। करीब एक महीने तक ऐसे ही चला। फिर एक दिन मैंने कहा कि क्या बात है, आप मेरे पास ही क्यों नहीं आते, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मैं आपकी पत्नी हूँ। इस पर मेरे पति बोले कि मुझसे दूर रहो। मैंने जब उन्हें जिद किया तो जब मैंने सुना, वो सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरे पति एक लड़का नहीं था, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, वो एक लड़का नहीं था जिस वजह से वो मेरे पास भी नहीं आता। मैंने कहा, तो आपने मेरी शादी करके ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं शादी नहीं करता तो हमारे सबको नाक कट जाता, मेरा सब कोई क्या बोलते, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, इसके लिए आप मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? इस पर मेरे पति कुछ नहीं बोले। मैं बहुत गुस्सा आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, लेकिन अगर घर छोड़ के जाऊंगी तो मेरी नाक कटेगी, मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे में हर इंसान कुछ चाहता है और शादी के बाद तो ज़रूर, तो मैं बस अपने काम खुद से ही करने लगी, मतलब अपने हाथों से। और ऐसे ही समय गुजरने लगा। कभी कभी मैं किसी और को देखती थी, जब पति पत्नी और उनका बच्चा आता था तो मुझे भी लगता था कि काश मेरा भी एक बच्चा हो, लेकिन कैसे होगा। ऐसे में हमारे घर में कुछ दिन पहले ही मरे पति के पिता आए थे, मेरे ससुर जी। तो उन्होंने एक बार शायद मुझे ऐसे करते हुए कुछ देख लिया था, अपना काम खुद से, तो फिर वो मेरे साथ ऐसे ही बातें करने लगे और एक बार मुझे पूछ दिए कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो अपने पति से क्या? मैंने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो अपना काम खुद से क्यों करती हो? इस पर मैंने उन्हें थोड़ा शर्माई तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बोल सकती हो। मैंने जब उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा, मैं हूँ ना। मैंने कहा, पर? तो उन्होंने कहा, पर क्या, तुमने कोई गलती तो की नहीं है? अगर तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे पति की गलती है, तो मैं उसका भरपाई कर सकता हूँ, आखिर वो कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पर मैं भी खुश हो गई क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ मुझे घर पे ही मिल गई। पहले तो ऐसा था कि मैं बाहर जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन अब अगर काम ये घर पे हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चले, ऐसे ही कुछ हाल था। मैं आपको अपने घर के बारे में बता दूं, मेरे घर में पहले तो मैं, मेरे पति और एक नौकर काम करता था। अभी मेरे पति के पिता यानी मेरे ससुर जी भी आ गए थे, तो वो भी हम लोगों के साथ ही रहते थे। मेरा ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी कट रहा था। सुबह से शाम तक मेरे पति रहते नहीं थे, तब मेरे काम हो जाता था, खुद से कुछ काम करने का ज़रूरत भी नहीं था। तो ऐसे में मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है। ऐसा ही समय गुजरने लगा। एक बार मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। सुबह मैं सो के उठी तो मैं गिर गई चक्कर लगा के, उसके बाद मुझे उल्टी हो रहा था। मेरे पति थोड़ा चिंतित हो गए, उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा
कि क्या हुआ, तो मैंने सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कुछ देखा तो मेरे पति ने कहा कुछ ज़्यादा दिक्कत है क्या? डॉक्टर ने कहा अरे नहीं नहीं बस थोड़ी सी। तो मेरे पति ने कहा अरे मैंने इन्हें बोला था कि ध्यान रखने अपना। इतना में डॉक्टर ने कहा कि चिंता मत कीजिए, वो तो प्रेग्नेंट है और ये तो एक लड़की के साथ नॉर्मल बात है, शादीशुदा के साथ। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे पति का मुँह चढ़ गया क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चा उनका नहीं है। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति मुझे बहुत कुछ कह रहे थे। वहाँ पर मेरे ससुर जी भी थे। मेरे पति ने हमारे घर का जो नौकर था उसे कहा कि तुम बाहर जाओ, उसे बाहर कर दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके मेरे ऊपर बहुत कुछ कहने लगे कि तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, तुमने किसके साथ मुँह काला किया है, सच में बताओ, अगर तुम नहीं बताओगी तो अभी तुम्हें घर से निकाल दूँगा, सच बता दो मैं किसके साथ मुँह काला किया है। मैं चुप हो गई, मैं बस मेरे ससुर जी का मुंह देख रही थी, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा था और मेरे पति मुझ पर उनाम सनाम बहुत कुछ बोले जा रहे थे। इस पर मैंने कहा कि रुक जाइए, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। मेरे पति ने कहा जब तुम्हें शर्म नहीं आती है तो मुझे क्या। तभी मेरे ससुर जी बोले कि वो जिसके साथ मुँह काला की है वो कोई और नहीं मैं हूँ। इस पर मेरे पति उन्हें देखने लगे कि आप ऐसे। मेरे ससुर जी ने कहा जब तुम एक लड़का नहीं हो तो मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हारा नाक कटने से बचाया है, तुम ही सोच लो अगर ये बच्चा नहीं होगा तो तुम्हें क्या कहेंगे, तुम इसे अगर घर से निकाल दोगे ये कहकर कि मैं तो ऐसा हूँ मेरा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता तो बिरादरी वाले तुम्हारा ही बदनामी करेंगे और तुम्हें ही कोई यहाँ पर रहने नहीं देगा, मेरा क्या है, मैं तो फिर से गाँव चला जाऊँगा। उस वक्त मेरे पति को लगा कि शायद वो सही बोल रहे हैं। मेरे ससुर जी ने आगे कहा इस बच्चे को अपना लो, इसमें तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। मैं बस चुपचाप सब कुछ तमाशा देख रही थी। मेरे पति ने थोड़ी देर बाद कहा ठीक है और उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई। मेरा बच्चा होने वाला था जो कि मेरे पति का भाई था। और ये सब चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी मेरा एक छोटा सा बच्चा हुआ। जब पति घर पे नहीं रहते तो मेरे ससुर जी तो रहते ही थे और वैसे भी पति के रहते हुए भी मेरे पति कुछ बोलते ही नहीं थे क्योंकि वो मेरे पास नहीं आते थे, उन्हें पता था कि उनमें क्या कमी है। लेकिन ये चीज़ ऐसे ही नहीं थमा। एक बार की बात है, हम लोग कमरे पे थे, मैं और मेरे ससुर जी, तो वो थक चुके थे, वो गए पानी पीने के लिए और ये हमारा नौकर पहले से यह सब कुछ देखता था। जब वो वहाँ पर जाकर सो गए सोफे में तो मेरा नौकर आ गया कमरे पे, मुझे नहीं पता था कि वो नौकर है। और उसके बाद जब मैं बाद में मुड़ी तो मैं देख के चौंक गई, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ मेम साहब अब तो मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जब तुम आए ही हो तो। और उसके बाद तो मेरी खैर ही नहीं थी, घर पर पति जब नहीं होते तो कभी ससुर जी होते तो कभी नौकर, और उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी कट रही थी मेरी। खैर ये कहानी मेरी एक सच्ची दास्तान है, आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।